अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस रेस्टोरेंट पे बुफे करने जा रहे हैं उसका नाम है लाल किला रेस्टोरेंट, जो कि दुबई में मौजूद है और इनकी मल्टीपल ब्रांचेज जो हैं वो यूएई में जो है वो मौजूद हैं, अबू धाबी में भी जो है इनकी कुछ ब्रांचेज हैं और दुबई में भी आई थिंक इनकी एक और ब्रांच भी मौजूद है। पाकिस्तानी बेसिकली जो है ये रेस्टोरेंट है और बहुत ही इनकी ज़्यादा तारीफ़ें जो है वो हमने सुनी है, जिसकी वजह से जो है वो हम इनको विज़िट करने जा रहे हैं। तो आपको जो है वो इस वीलॉग में बताएंगे कि कितनी डिशेस जो है इनके बुफे में जो है वो शामिल हैं, किस प्राइस में जो है वो आप बुफे कर सकते हैं और इनके टेस्ट के बारे में जो है वो रिव्यू करेंगे। तो आए चलते हैं और आपको जो है वो आगे दिखाते हैं। गाइस, हम फाइनली लाल किला पहुँच चुके हैं। गर्मी की शिद्दत, एक्सट्रीमली ज़्यादा गर्मी है। आयरा, कैसा फील हो रहा है आपको? हाँ, गर्मी तो नहीं है? बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आयरा जो है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही है, जाते ही कह रही है मैं तो ड्रिंक्स लूँगी बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रिंक्स। मैंने पहले जो है जूसेस जो है ट्राई करने हैं। तो गाइस, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, लाल किला इसकी जो सारी एम्बियंस है, इसकी जो एंट्रेंस है, उसको बिल्कुल जो डिज़ाइन किया गया है वो जिस तरह शाही किले जो है वो डिज़ाइन होते थे उस तरीके से डिज़ाइन किया। और आपको अंदर भी जो है वो दिखाते चलें। ये आप दरवाज़ा देखें, कितना खूबसूरत इसका जो है वो डोर है। और शुरू में आपको मैंने एक दिखाई तोप भी जो है वो बाहर पड़ी हुई थी। अब हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। ये इसकी एंट्रेंस की लॉबी है। मैंने जो है वो स्टार्ट किया है चाइनीज़ के साथ। तो अगर आपको चाइनीज़ के बारे में बताऊँ तो इट्स वेरी यमी, राइस में भी बहुत टेस्ट है। मंचूरियन का जो है वो अपना फ्लेवर आ रहा है, ठीक है, और जो पास्ता था वो भी बहुत टेस्टी है। जैसे जैसे चीज़ें ट्राई करेंगे आपको जो है उसके साथ साथ जो है बताते जाएंगे कि भाई कैसा जो है वो टेस्टी है। तो गाइस, स्नैक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे फ्राइज़ मौजूद हैं, यहाँ पे जो है वो समोसाज मौजूद हैं, यहाँ पे स्प्रिंग रोल्स थे बट अभी रीफिलिंग उसकी अभी आने वाली है। आगे जो है वो चाइनीज़ स्टार्ट हो जाता है, पेनी पास्ता जो है यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद ये चाइनीज़ की एक ग्रेवी है ये मौजूद है। उसके बाद चाइनीज़ राइस आ जाते हैं, उसके बाद ये नूडल्स आ जाती हैं, उसके बाद सूप्स की वैरायटी जो है वो आ जाती है। आगे जो है फिर ये कुछ इंडियंस जो हैं वो, क्योंकि चिकन ज़्यादा नहीं इंजॉय कर रहे होते तो उनके लिए कुछ ज़्यादा डिशेज जो हैं यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं। लाइक इसमें राइस हैं, इसमें दाल है, चना है, आलू भुजिया है और पनीर हांडी है। तो ये मोस्टली जो है वो हमारे तो इंडियन दोस्त हैं वो ये चीज़ें इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये इंडियन समझ लें आप, फॉरनर आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी स्टाइल का जो है वो मटर पुलाव मौजूद है। यहाँ पे लाइव नान, पराठा, रोटी, ये चीज़ें जो है वो लाइव लेग के साथ साथ जो है वो आ रही हैं। और इसका भी काउंटर जो है वो पीछे लाइव जो है तंदूर जो है वो मौजूद है। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर जो है वो मटन जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं, मटन की वैरायटी जो है वो मौजूद है। और उसके बाद हर दिल अजीज़ पाए यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। उसके बाद मटन में एक और डिश जो है वो मौजूद है और ये फ़िश है। और यहाँ पे हलीम भी मौजूद है और बिरयानी भी जो है वो मौजूद है। और बिरयानी के साथ साथ इसके जो बिरयानी के जो लवाजमात होते हैं वो भी तमाम लवाजमात जो हैं यहाँ पे मसाले। इस वक्त मैं सैलेड कॉर्नर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे सैलेड की जो वैरायटी है वो आपको दिखाते चलें। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग विद पकौड़ियाँ, दही पकौड़ियाँ मौजूद हैं। उसके बाद पेनी पास्ता जो है वो मौजूद है सैलेड्स में। और ऑलिव ना हो तो यूएई में ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद ये डिफरेंट सॉसेज यहाँ पर और मौजूद हैं, रशियन सैलेड जो है वो मौजूद है, फ्रेश सैलेड मौजूद है। और यहाँ पे पाकिस्तानी टाइप का अचार रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टाइल में यहाँ पे सारे फूड्स जो हैं वो देसी फूड मोस्टली हैं। हर चीज़ जो है वो वैरायटी पूरी की गई है। इनकी जो सबसे जो मेन बात है वो ये है कि इन्होंने लाइव डिफरेंट चीज़ों के जो है काउंटर्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ, लाइव जो है वो डिज़र्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है ये सर्विंग करते जा रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे लाइव काउंटर मौजूद है बारबेक्यू का। यहाँ पे जो है वो लाइव बारबेक्यू लगाया जाता है और कस्टमर्स को जो है वो लाइव सर्व किया जाता है। इसके बाद आपको दिखाएं कि यहाँ पे आगे जो है वो कढ़ाई जो है वो लाइव, अगर किसी को जो है उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करवाना है तो आप ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों के जो है वो लाइव जो है काउंटर जो है मौजूद है।
इसे पहन कर तो मेरे सामने ड्राई कर दिया है। खाने की एक कठिन रात से तुझे खा लिया। नहीं, सल्तनत के कनीज है। एक छोटी कसम है जो मेरा ऐमान बदल दो। दाग है जो मेरे दामन पे लगा, मुझे दाग दाग कर दिया। ये तलवार जिसने बड़े बड़े सुरमाओं के गुरूर को खाक में मिला दिया है, वहां भी आज मैडम आयरा जहां मौजूद हैं और आयरा जहां से पूछते हैं कि मैडम आयरा जहां क्या एंजॉय कर रही हैं? कपकेक्स एंजॉय कर रही हैं मिस आयरा जहां। कैसा टेस्ट है इनका? आलिजा इनके जो शेफ़ हैं, जो इनके शेफ़ को जो है वो कुछ हम इनायत कर दें, अगर आपका हुक्म हो तो उनको हम जो है उनको यहाँ हाजिर करें, आप उनके लिए जो है कुछ इनायत करेंगी? जी जी ओके। मोहम्मद भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, अब हम उनसे पूछते हैं कि उनको फ्लेवर जो है टेस्ट कैसा लग रहा है। मोहम्मद मोहम्मद कैचा है, कैचा डू यू लाइक द टेस्ट? अच्छा है, वाओ। गाइस बारी आ चुकी है डिज़र्ट की, ये हम कप वाले जो डिज़र्ट्स हैं ये भी लेके आए हैं और बाकी जो है गरम गुलाब जामुन भी लेके आए हैं, तो आपको जो है बताते चलें जी गुलाब जामुन का जो टेस्ट है कैसा है। तो गुलाब जामुन जो है वो टू बी ऑनेस्ट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मज़े के हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। और पुडिंग जो है वो भी ठीक है, कपकेक्स जो हैं वो भी मज़ेदार हैं, और इसके अलावा जो है वो कप्स में कस्टर्ड था, मैंने वो ट्राई किया है, इट वाज़ वेरी यमी। जो ये कस्टर्ड था ये मज़े का था, जो ये कॉफ़ी वाला डिज़र्ट था इट वाज़ जस्ट नॉर्मल। और जो खीर थी, बेगम साहिबा कह रही हैं खीर भी बहुत मज़े की थी, सूजी का हलवा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत मज़े का बनाया हुआ। तो डिज़र्ट जो है वो 100 out of 100 जो है वो ले चुका है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े का है। सो गाइस बिल आ चुका है और इसमें जो है एडल्ट्स का जो है इन्होंने हमें चार्ज किया है 49 dirhams, और इन्होंने हमें जो किट है वो कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, क्योंकि हमारा किट जो है आप शायद वीडियो में भी देख चुके हों, ऑब्जर्व किया हो आपने कि वो कुछ खाता नहीं है, तो इन्होंने हमें जो है चार्ज किया है 2 adults के लिए 49 each। तो ये वीकडेज हैं इसलिए जो है ये 49 dirhams है, वीकेंड्स के ऊपर फ्राइडे सैटरडे संडे में जो है ये कुछ 15 dirhams एक्स्ट्रा होता है ईच पर्सन। तो अगर आप मंडे टू थर्सडे आते हैं तो आपको 49 dirhams पर पर्सन जो है वो चार्ज होगा, बाकी ड्रिंक्स आपको सेपरेट चार्ज होंगी, वाटर आपको सेपरेट चार्ज होगा, और उसके अलावा 5% वैट ऑन एवरी बिल। गाइस फूड हम जो है वो इंजॉय कर चुके हैं और ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है, स्पेशली जो है मटन बहुत जो है वो मज़ेदार था, बहुत लजीज था। चाइनीज़ मैंने आपको खाते हुए उसी वक्त मैंने बताया कि चाइनीज़ जो है वो बहुत टेस्ट उसका आउटस्टैंडिंग था, कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट का गैप रूम जो है वो ज़रूर है, जैसे बारबेक्यू के अंदर जो है वो बोटी और जो फिश है उसमें थोड़ी सी जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है टेस्ट वाइज, बाकी कबाब जो है वो बहुत मज़ेदार थे, डिज़र्ट्स जो हैं इट वाज़ आउटस्टैंडिंग, आपको खा के जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ओवरऑल जो है मैं अगर रेट करूँ तो आपको जो है यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आना चाहिए, 90-95 out of 100 मैं रेट करूँगा जगह को। और उसके अलावा जो यहाँ पे जो समा बांधा, जो शेर सुनाए हमें इन्होंने, वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आप अपनी फैमिली के साथ जो है वो यहाँ पर ज़रूर आएँ। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें और यूट्यूब को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह।